के अंतिम पड़ाव तक पहुंच चुके हैं। अब बारी है वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर उस शख्सियत के आने की जो काफी लंबे समय से इस समापन सत्र की अध्यक्षता कर रहे हैं। अध्यक्षता करने वाला वो इंसान एक ऐसा जन नेता है जिसका पूरा जीवन लोकतंत्र की सेवा में गुजरा एवं जनमानस में इस कदर लोकप्रिय कि इनकी उपस्थिति ही किसी भी कार्य के संपादन का प्रमाण होती है। सर्वजन हिताय के प्रतीक जोधपुर से दो बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुने जाने वाले नेता, खादी ऊन बोर्ड के चेयरमैन आप रहे, राजस्थान सरकार में वित्त मंत्री के पद को भी सुशोभित किया, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग में आप मंत्री रहे और न जाने कितनी ही वित्तीय समितियों में आपने दखल दिया और आपकी नीतियां और आपके द्वारा सुझाए गए विचार सरकार के काम आए। हमने कई प्लेटफॉर्म पर, सामाजिक प्लेटफॉर्म पर और पारिवारिक प्लेटफॉर्म पर आपसे मुलाकात करी है। जोधपुर के लिए आपका आशीर्वाद और आपकी जो सोच है वो अद्भुत है। ऐसी शख्सियत जो कि हमारे बीच में इस प्लेटफॉर्म पर मौजूद है, मैं पूरे आदर और अदब के साथ में आदरणीय जसवंत सिंह जी बिश्नोई साहब से निवेदन करता हूं कि आप प्लेटफॉर्म पर अपने उद्बोधन से हमें लाभान्वित करें। बहुत बहुत धन्यवाद गोयल साहब। मैं खास तौर से इस अवसर पर वाइस चांसलर साहब का और ओम प्रकाश जी बिश्नोई साहब को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने बहुत अच्छी वर्चुअल बैठक रखी, बहुत अच्छे लोगों के विचार सुनने का अवसर मिले और इस सत्र में खास तौर से हमारे मुख्य वक्ता ऑनरेबल हाईकोर्ट जज साहब पी एस भाटी साहब ने बहुत अच्छी बात कही और उन्होंने सिर्फ 4-5 दिन में पूरी तैयारी करके जो मैं अब 64 के आसपास हो गया, मैं भी रोज पढ़ते हैं, हम हमारी गुरुवाणी पढ़ते हैं, लेकिन उन्होंने 4 दिनों में ही सब कुछ सीख लिया। बहुत बड़ी बात है, मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। उन्होंने पूरी गुरुवाणी को 4 दिनों में पढ़ लिया, भाई अमल तम्बाकू भांग मद मां से दूर ही रह जाए। तो ये बात बहुत एक मन में उनके ठीक है, भाई हमको क्या बोलना है, क्या सीखना है, गुरु जी ने क्या कहा। सबसे बड़ी बात गुरु जी ने क्या कहा जो मैं लोगों को बताऊं, भाई कितनी बढ़िया वाणी गुरु जी ने कही। तो अगर हम देखें तो इस षष्ठी की रचना के बाद में कब षष्ठी की रचना कोई कहता कितने वर्ष हो गए, लेकिन गुरु जम्बेश्वर भगवान ने 535 वर्ष पहले कह दिया था कि जीव दया पालनी, जीवों पर दया करो, जीव दया पालनी रूख लीलो नि गावे अजर जरिए जीव मरे विवास बेकुट अपावे। जो इनके लिए मतलब जीवों के लिए और पेड़ों के लिए अपने प्राणों की आहुति देगा उसको बैंकुट वास मिलेगा, बैंकुट में उसको स्थान मिलेगा। जो इनके लिए अपने प्राणों की आहुति देगा, मतलब उस समय कहा कि जब पेड़ की कोई कीमत नहीं थी, वन्य प्राणी हजारों में वन्य प्राणी थे, उस समय गुरु जम्बेश्वर ने कहा इनकी रक्षा करो, इनके लिए अपने प्राणों की आहुति दो लेकिन इनको बचाओ। ये बात उस समय गुरु जम्बेश्वर ने कही, उसी की पालना करते हुए सन 1770 देखिए आज तो हम टीवी देखते हैं, अखबार पढ़ते हैं, रोज हमारे सामने आता है कि कितनी ऑक्सीजन कम हो रही है, कितनी कार्बन बढ़ रही है, क्या प्रदूषण के बाद कितना प्रदूषण बढ़ रहा है। लेकिन एक अनपढ़ महिला थी अमृता देवी, मतलब कह भी नहीं जानती थी, उसने कहा कि सर सटे रोंग रहे तो भी सस्ता, सर कट जाए और पेड़ बच जाए तो भी सस्ता सौदा समझो। ये अमृता देवी ने संदेश हमको दिया था, मानव मात्र को दिया था कि मानव के अगर जिंदा रहना है तो इन पेड़ों की रक्षा करना बहुत जरूरी है। ये बात बहुत बड़ी बात थी जो एक अमृता देवी ने आम आदमी को इसका संदेश दिया। यहाँ पर बहुत मैं करीब 2-3 बजे से जुड़ा हूँ, मैं देख रहा हूँ यहाँ हमारे ओपी यादव साहब ने भी अच्छी बात रखी है, बीआर पवार साहब ने बहुत अच्छी बात रखी है, लेकिन गुरु जम्बेश्वर भगवान ने जो बात कही वो उसका सार यही है कि इस धरती की अगर जब उस समय तो कोई पर्यावरण के बारे में सोचता ही नहीं था, जब गुरु जम्बेश्वर भगवान ने अवतार लिया और संदेश हमको दिया, उस जब बताते हैं कि 1972 पहली बार पर्यावरण के बारे में चर्चा हुई है विश्व स्तर पर, तो उससे पहले कितने वर्ष पहले गुरु जम्बेश्वर भगवान ने कह दिया और उसको बात को अगर उस समय लोग मानते थे आज ये संकट हमारे सामने नहीं आता। लेकिन अभी बड़ी संकट है हमारे यहाँ पर, खासतौर से मैं कह सकता हूँ कि राजस्थान में तो 4 तरह की जमीनें थी हमारे यहाँ पर, एक खेती की जमीन जहाँ किसान खेती करता है, एक गोचर थी जहाँ पशुधन रहते हैं, जहाँ मूक प्राणी, एक ओरण थी जिसमें मूक प्राणी रहते थे और एक पहाड़ी जमीन थी जहाँ पर मूक प्राणी और पशुधन रहते थे। लेकिन धीरे 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 आबादी बढ़ती गई, गोचर पर कब्जा हो गया, ओरण पर कब्जा हो गया, मूक प्राणियों के रहने के स्थान खत्म हो गए।
तो ये बड़ी चिंता की बात है कि हजारों बीघा जमीन थी पुराने रहने के लिए, आज पेड़ का खत्म हो गई। वहां पहले लोग इतना इसको जैसे जैसा फरमा रहे थे इसको धर्म के साथ जुड़ा हुआ था, गोचर और ओरण में से कोई सूखी लकड़ी भी उठाना पाप समझता था, और जो गोचर और ओरण के पास में जिसका खेत था वो कहता भाई एक दो फुट दूर से खेती करो, अगर 2 फुट अंदर गए तो अपने औलाद है वो गूंगी के लिए जन्मेगी, इसलिए उसको 2 फुट दूर से करो। ये लोग वहां उसको टच करना भी पाप समझते थे गोचर और ओरण पर्वत को, लेकिन ये लोग धीरे 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 अब गोचर पर जो कब्जा कर रहे हैं, ओरण पर भी कब्जा हो रहा है, सारी बातें विपरीत हो रही है, जो बहुत चिंता की बात है कि आने वाले समय में ये जो वन्य प्राणी जिसकी हम चिंता कर रहे हैं वो रहेंगे कहाँ। खेत की जोतें छोटी हो गई, ढाणियां खूब बस गई और ढाणियां भी इसमें कई तरह के संकट और सामने आ रहे हैं उनके सामने, तो ये सब है चिंता की बात है। फिर मैं कह सकता हूँ कि आज जो सेमिनार है, ये इंटरनेशनल सेमिनार है, मैं भी कई बार जुड़ा हूँ, लेकिन मुझे आज जो माननीय जो जितने भी वक्ता थे उनके सुनने के बाद लगा कि कितना लोग इसके बारे में चिंतित है, कितने स्टडी करके लोग आप अपनी बात रखते हैं, लेकिन इसकी जैसे आप धरातल पर क्या हो रहा है वो देखने की बात है। धरातल पर जब तक इसको हम इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तब तक इसका कोई परिणाम अपने सामने साथ आने वाला नहीं है। मैं कह सकता हूँ कि मैंने कई जगह देखा भी है, कई जगह समझने की कोशिश भी है कि कई जातियां खत्म हो चुकी है वन्य प्राणियों की, पक्षियों की कई जातियां खत्म है। जब छोटा था तो गीध देते थे जिसकी सीमा नहीं थी, जानवर मरा 5 मिनट गीध उसको साफ कर देते थे, आज गीध खत्म हो चुके हैं। मैं कहता हूँ कई लोगों को गीध कहाँ से खत्म क्यों हुए, गाय के इंजेक्शन देकर गाय दूध निकाला, भैंस के इंजेक्शन देकर दूध निकाला, और जो गाय और भैंस मरी और इंजेक्शन का जहर उसमें रह गया उससे गीध खत्म हो गए, उससे वो एक प्रजाति खत्म हो गई, और जो जो हमारे लिए एक नया संकट आ गया एनवायरमेंट का, चढ़ते हैं सड़कों पर जो जानवर कोई खाने वाला नहीं है, इसलिए वो भी हमारे सामने संकट है। जब मैं वन मंत्री था राजस्थान सरकार में 6 महीने पास 6-7 महीने मेरे पास मैं मारा, तो ये नील गाय जो हमारे सामने अभी नील गाय के बारे में लोग संकट पर है कि लोग नील गाय के बारे में भी काफी लोग चिंतित है कि नील गाय बहुत ज्यादा बढ़ गई, तो ये बड़ी उसका भी कारण है। नील गाय शुरू से थी, अब आगे एकदम तो आई नहीं है, पहले 3-4 जात थे, एक तो भेड़िया होता था जिसको हम गाँव में साड़ी नारी बोलते हैं, एक जर्क होती थी भेड़िया और जर्क नील गाय के बच्चों को उठा ले जाते थे और खा जाते थे, जिससे नील गाय की संख्या नहीं बढ़ी, लेकिन धीरे धीरे भेड़िया और जर्क खत्म हो गए। तो जब वो चीजें खत्म होगी तो ये संख्या अपन अपने सामने बढ़ गई, तो ये जो 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 वन्य प्राणी खत्म होगा तो उससे दूसरा संकट हमारे सामने आएगा, तो ये सब एक दूसरे के ऊपर निर्भर है और उसी से संसार का ढांचा चल रहा था। ये बड़ी चिंता की बात है, कहते हैं 3,500 प्रजातियां खत्म हो चुकी है, देखते हैं जाते हैं तो कहीं बहुत कम मिलते हैं सांप, बहुत कम मिलते हैं, मैं पहले ये कई तरह के पशु पक्षी धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं, कारण कि उनको उनके साथ जो व्यवहार होना चाहिए व्यवहार नहीं हो रहा, उसी से उसका परिणाम हमारे सामने आ रहा है। मैं बीच में था यूरोप आयरलैंड और उसमें, तो वहां पर मैंने पूछा कि ये पीली लाइट क्यों लगा रखी, मतलब व्हाइट लाइट लगा था सफेद लाइट लगा था उसको अच्छा मानते हैं घास है अपने यहाँ इंडिया में, तो यहाँ पर यूरोपियन यूनियन का फैसला है कि भाई व्हाइट लाइट से पशु जो पक्षी है वो प्रभावित होते हैं रात को, और उसको यूं नहीं लगा के यूं लगाते जमीन पर ताकि इससे पक्षी को प्रभावित नहीं हो रात को और वो आराम से उसको विचरण कर सके। ये बहुत बड़ी बात थी जो मैंने कहा कि ये यूरोपियन यूनियन ने तय कर रखा है कि नहीं लाइट को पीली लाइट लगेगी और वो यूं लगेगी ताकि इससे पक्षी का विचरण है जो उनको प्रभावित नहीं करे, ये बात वहां उन्होंने सोची और आज वो उसको पालना कर रहे हैं, अपनी ये स्थिति नहीं है। तो मैं कह सकता हूँ कि अपनी कई बातें हैं जिनके लेकर के हमको चिंता करनी चाहिए, हम सबका दायित्व बनता है। देखिए आज जैसे 72 से पहले किसी ने एनवायरमेंट के बारे में सोचा नहीं, आज 2 देश के प्रधानमंत्री मिलते थे एनवायरमेंट की बात करते हैं, 2 देश के राष्ट्रपति मिलते थे एनवायरमेंट की बात करते हैं, 2 देश के राजदूत मिलते हैं तो पर्यावरण की बात करते हैं, कारण कि सबके सामने संकट है। आने वाले समय में नदियां सूख गई है, नदियों में पानी नहीं है, ये भी एक एनवायरमेंट का विषय है, जहां 12 महीने नदी चलती थी आज पानी नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है, जहां पर पेड़ों की कोई सीमा नहीं है, इतने से पेड़ होते थे घने घने पेड़ थे आज पेड़ देखने को नहीं मिल रहे हैं, ये बहुत बड़ी चिंता की बात है और हम सब के लिए चिंता की बात है। इसलिए आज जो विश्व पर्यावरण दिवस है इस पर हम सबको अपना स्तर पर फैसला करना चाहिए कि हम इसके लिए कुछ काम करेंगे, एक पेड़ लगो 2 पेड़ लगो कहीं जहां भी अपना योगदान हो, लोगों को मोटिवेशन करना भी एक बहुत बड़ा योगदान है, लोगों को समझाना भी एक बहुत बड़ा योगदान है, लोगों को समझा करके 4 पेड़ लगाना ये भी बहुत बड़ा योगदान है,
जिस रूप में भी हम कर सकते हैं हमको करना चाहिए। और आम पब्लिक में जैसा बहुत अच्छी बात कही जज साहब ने कही या किसी ने मान्य पूर्वोक्ता ने कही कि ये विशेष क्लासों में आना चाहिए लोगों के दिमाग पढ़ने के लिए, और लोगों को लोगों को ये बात समझनी चाहिए कि अगर ये एनवायरनमेंट नहीं रहेगा तो हमारे जीवन भी खतरे में, तो ये सब्जेक्ट अगर आएगा तो उसका इम्पैक्ट बहुत बढ़िया रहेगा। ये बात बहुत अच्छी बात है, इससे रुचि लोगों की बढ़ेगी और एनवायरनमेंट बारे में सोचेंगे लोग भी पर्यावरण क्या है। तो मैं समय मेरे का कितना मुझे पता नहीं, लेकिन मैं बोलना तो बहुत चाहता था लेकिन समय अभाव होगा क्योंकि अपन करीब 1.5 घंटा लेट चल रहे हैं। तो आप सब लोगों को जिन्होंने भी इसमें पार्टिसिपेट किया उनको भी और से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, और खास तौर से ओम प्रकाश जी ने बहुत मेहनत की, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। इस शोध संस्थान के अध्यक्ष पहले थे हमारे स्वर्गीय जेताराम जी, जिनको इस अवसर पर मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। बहुत ही सज्जन पुरुष थे, बहुत दृढ़ता पुरुष थे, लेकिन भगवान की इच्छा नहीं थी, वो भगवान ने जैसे चाहे क्या वो हमारे बीच में नहीं है, उनको मैं अपने और श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा हूँ। और इस स्पीड का जो इनिशिएटिव में शुरू करने का काम उन्होंने किया, काफी अच्छा काम किया, और आज ओम प्रकाश जी इसको बहुत अच्छी तरह से संभाल रहे हैं। इसमें आम जन का सहयोग जरूरी है, तभी ओम प्रकाश जी को और मजबूती से आगे संभाल सकेंगे। इसका उद्देश्य यही है कि भाई एनवायरमेंट के बारे में लोग सोचें, पर्यावरण के बारे में लोग सोचें, और इस पर्यावरण को बचाने के बारे में सोचें। पर्यावरण बचाएंगे तो हम बचेंगे, और पर्यावरण नहीं बचेगा तो हम भी नहीं बचेंगे, ये सोच करके हम आगे बढ़े। ये कहकर मेरी वाणी विराम देता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर आपने सही बताया कि डेट्स लगभग 550 वर्ष पूर्व गुरु जम्बेश्वर जी ने जो विजन देखा था वो विजन आज कितना प्रासंगिक है। आपने किस प्रकार से गोचर और ओरण जमीन के महत्व को बताया, और ये भी रेखांकित किया कि आज का जो आधुनिक दौर का मानव है अपनी स्वार्थ की प्रवृत्ति की वजह से ही इतना ज्यादा पतित हो रहा है। आपके अध्यक्षीय उद्बोधन में एक महत्वपूर्ण बात यह आई कि बातें तमाम तरीके की अलग अलग प्लेटफॉर्म पे तो होती है, लेकिन प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन कितना होता है ये महत्व की बात है। आदरणीय जननेता होते हुए आपने बड़े ही सहज सरल देसी अंदाज में हम सबको ये बताने की चेष्टा की, वो भी अप्रत्यक्ष रूप से, कि चिंताएं बहुत है, लेकिन अंत में जो आपने जो बात बताई वो निश्चित रूप से विश्वविद्यालय की इस प्लेटफॉर्म पर शोध पीठ के लिए एक बहुत बड़ी बात है कि अगर पर्यावरण पाठ्यक्रम में आ जाए तो अद्भुत तरीके से आज की जो नई पीढ़ी है वो पर्यावरण के आयामों से अछूती नहीं रहेगी। आपके लिए 4 पंक्तियां सर अंतिम इस बिंदु के लिए कि बहुत कुछ सिखाया जिंदगी के सफर ने अनजाने में, वो किताबों में दर्ज था ही नहीं जो पढ़ाया सबक जमाने ने, जो पढ़ाया सबक जमाने ने। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपके अध्यक्षीय उद्बोधन के लिए।